श्रीमती वर्षा जोशी जी से ही अनुरोध करूंगी। श्री श्यामल भाई पटेल हमारे साथ मौजूद है। केंद्रीय राज्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने दिल्ली में अमूल स्वच्छ ईंधन रैली का किया स्वागत। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित डेयरी सहकारी आंदोलन ने 1946 में अमूल का गठन किया, जिसमें धीरे धीरे देश के लाखों किसान जुड़ते गए, जिससे भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। अमूल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती मनाने और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य पर 4 स्वच्छ ईंधन रैलियां आयोजित की। इन रैलियों का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और बायो सीएनजी के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान रैलियां स्वच्छ ईंधन के उपयोग से किसानों की आजीविका में सुधार और पर्यावरण में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए निकली। मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो द्वारा संचालित अमूल स्वच्छ ईंधन रैली हिम्मतनगर, कोलकाता, पुणे और जम्मू में शुरू हुई थी। कुल मिलाकर 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए यह रैली दिल्ली में संपन्न हुई, जहां यह 26 नवंबर को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह का हिस्सा बनी। अमूल के 77 से अधिक राइडर्स सर्कुलर इकोनॉमी और सतत पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ ईंधन रैली में शामिल हुए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों की विरासत का सम्मान करते हुए सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और सतत पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्य सहकारी समितियों, संस्थानों और किसानों से मिलते हुए गए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने के लिए रैली का समापन दिल्ली में हुआ, जहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू हुई रैलियों ने मिलकर धौलाकुआं से मानिकशा एनक्लेव दिल्ली तक अपना अंतिम पड़ाव तय किया। कुआं से शुरू हुई इस रैली को श्रीमती अलका उपाध्याय सचिव ने रैलियों को हरी झंडी दिखाई। सारी डेयरियां कैसे कर सकती है, इसलिए रैली का आयोजन किया। सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि ये रैली का समापन हमने दिल्ली में किया, और आज जहाँ पे इस अवसर पे जब केंद्रीय हमारे मंत्रालय में नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन हो रहा, और साथ ही में दिल्ली में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस उनके इतिहास में, 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में हो रही है, और 2025 को यानी अगले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव।